वेलकम टू माय चैनल कीप शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको इस कोविड के दौरान एयर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी ट्रैवल जर्नी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही सेफली अपनी डेस्टिनेशन पहुँच पाएंगे। जिस ये सब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं बता रही हूँ, इनमें से मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एयरलाइंस के थ्रू ही दी गई हैं, जिनको आपको फॉलो करना भी मैंडेटरी कह दिया गया है। इसमें आपका सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि आपके पास अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो आप सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि आपको एट द एंट्री टाइम आपको दिखाना रहेगा। वो आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो, या फिर आपका पासपोर्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना, इंस्टॉल होना, एक्टिव होना, और उसमें स्टेटस ग्रीन कलर का यू आर सेफ लिख के आना चाहिए। वो अगर यू आर सेफ नहीं आ रहा है, आप सुरक्षित ही नहीं आ रहा है, तो आपको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपको जो चीज़ का ध्यान देना रहेगा वो ये है कि जब आप एंट्री ले रहे होंगे तो आपको आपका मास्क पहनना कंपलसरी है, आपके पास आपका मास्क होना ज़रूरी है। और आपको मास्क अपने, कोशिश करिए कि आप अपने घर से ही पहन के चलिए, और पूरी जर्नी जब तक आप अपने डेस्टिनेशन ना पहुंच जाएं आप अपना मास्क पहने रहे। इवन मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप अपना हैंड ग्लव्स भी पहन के चलिए, और साथ ही साथ अपने सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ ही लेके रखिए। ग्लव्स हटा रहे हैं और तो आप तुरंत सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, और फिर ही आप कहीं पे अपने बॉडी में कहीं पे भी हाथ को टच करिए। इट विल बी मच सेफर प्रोसेस। साथ ही साथ बहुत सारे एयरलाइंस ने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कर दिया है, जो आपको ट्रैवल करने से आपको 2 घंटे से लेके 2 दिन पहले तक में अवेलेबल रहेगा, आपके पास मेल के थ्रू आ जाएगा, जिसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा, अपना साइन करना पड़ेगा कि आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप वो मतलब मेल कर देंगे तभी आपको आपका बोर्डिंग पास इशू होगा। आप अपना वेब चेकिंग घर से ही करके लग चलिए, साथ ही साथ आप अपना बैगेज टैग घर से ही निकाल लीजिए। आपको सिर्फ बैगेज टैग निकाल के उसको प्रिंट करके अपने अपने जो भी लगेज है उसके ऊपर पेस्ट करना रहेगा। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारी सुविधाएं आपकी एयरपोर्ट पे अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना रहेगा। वैसे नॉर्मली 2 से 3 घंटे पहले कहा गया है आपकी जर्नी से पहले, तो आप कोशिश करिए 2 से 3 घंटे पहले अपनी जर्नी से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए। हाँ, अगर आप 4 घंटे पहले पहुंच रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया, आपको आपकी ट्रैवल जर्नी से 4 घंटे के ही बीच में आपको मतलब एयरपोर्ट के अंदर जाने की परमिशन दी गई है। कोशिश करिएगा कि कम से कम वहाँ पे वॉशरूम्स का यूज़ करिए, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन्स के ही कहीं ना कहीं फैलने के चांसेस बढ़ रहे होते हैं। आप अपने घर से ही खा के चलिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सब खाने पीने के लिए मना कर दिया गया है। आपको एयरपोर्ट पे, आपको एयरपोर्ट पे शॉप्स तो खुली होंगी पर आप अवॉइड करिए वहाँ पे खाना, और प्लेन्स के अंदर आपको कोई भी खाने, फूड एसेसरीज कुछ भी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। इवन आपको ना ही कोई न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा जाएगा, ना ही मैगजीन्स कुछ भी प्रोवाइड करी जाएगी। जब आप एयरपोर्ट के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो आप प्लीज़ से एयरपोर्ट पे ध्यान दीजिए कि कम से कम आप लिफ्ट का यूज़ करिए, क्योंकि लिफ्ट में जब लिफ्ट के बटन्स दबा रहे होते हैं या फिर लिफ्ट के अंदर सब लोग, ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं तो गैदरिंग होनी सकती है, तो ऐसे में अवॉइड करिए। एलिवेटर्स का ही यूज़ करिए और कोशिश करिए कहीं पे भी टच ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अब वो हर जगह कहीं पे भी टच कर सकते हैं। नहीं, आप तब भी अवॉइड करिए टच करना, क्योंकि वो पार्टिकल्स आपके ग्लव्स में लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली कभी आप अपने हाथ से ग्लव्स निकालेंगे फिर उसी ग्लव्स को पहनेंगे, ऐसे में वो पार्टिकल्स आपके हाथ तक भी पहुँच सकते हैं। तो अवॉइड करिए, ग्लव्स पहनिए, पर फिर भी कोशिश करिए कि कम से कम चीज़ें टच करी जाएँ, जिससे कि आप बहुत ही सेफ रहें। इवन फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना साथ कम से कम लगेज लेके जाएं, क्योंकि अगर आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आप प्रेफर करेंगे कि आपको ट्रॉली मिले और जिसपे आप अपना सामान रख के चले। बहुत जगह ट्रॉली अलाउ नहीं करी जा रही है, और बहुत जगह अलाउ करती भी गई हैं लेकिन वो बहुत रिस्की, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रॉली पे सब लोग अपना हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की साउंड कर रहा होता है। इवन आप जब ट्रैवल करके अपने घर, अपनी डेस्टिनेशन पहुंच रहे हो
तो सबसे पहले सबसे मिलना जुलना, मतलब एक टाइट हग करना, ये सब कुछ भी नहीं करिए। कोशिश करिए कि जब जैसे आप अपने डेस्टिनेशन अपने घर पहुंच रहे हैं, सबसे पहले जाके नहाइए जाके और अपने कपड़े पूरे चेंज कर लीजिए। उसको इवन कोशिश करिए कि उसको भी धुल दीजिए ताकि उसको किसी के हाथ ना लगे। और उसके बाद भी जब आप अपने मतलब लोगों के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखिए ताकि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन ना ही आपके थ्रू आपके अपनों को कोई इन्फेक्शन हो। प्लीज पूरे ट्रैवल के टाइम आप कोशिश करिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही अच्छे से पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र जरिया है जिससे हम कोविड के थ्रू बच सकते हैं। और यही इसी के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। बहुत सारे लोग तो इवन अब फ्लाइट्स में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक की बदली दो टिकट बुक कर ले रहे हैं और वो अकेले जाते हैं और अपनी बगल वाली सीट को खाली रखते हैं ताकि उनके नेक्स्ट कोई भी ना बैठे। ये सब भी पॉसिबल कर दिया गया, लेकिन हर कोई ये नहीं कर पाता है ड्यू टू कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम, ये सब हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। तो ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी और ना ही आपके थ्रू आपके अपनों को भी कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और हाँ साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको इस ट्रैवल जर्नी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझे मतलब कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे सेफ, लव एंड पीस टू ऑल। बाय बाय।